घाघरा थाना क्षेत्र के हुटार गांव में गुरुवार की रात्रि विषैले सांप के काटने से 11 वर्षीय सुकरी कुमारी की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतिका के पिता बलदेव उरांव ने बताया कि गुरुवार की रात हम लोग सभी खाना खाकर जमीन पर सोए थे। रात के करीब 10 से 11 बजे के बीच में सांप ने मेरी बेटी को काट लिया। हम लोगों ने ओझा गुनी को बुलाकर झाड़ फूंक कराया, फिर भी उसकी स्थिति नहीं सुधरी, जिसके बाद शुक्रवार की सुबह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घाघरा बच्ची को लेकर आए, जहां चिकित्सकों ने बच्चे को देखने के उपरांत उसे मृत घोषित कर दिया। अब कट रहे सांप रहे, अब तो बिछना खाली जमीन में सुतल रहे बच्ची, अब सांप चल गेलक माला की फूला फूला चल गेलक, देखे नहीं पा ली। अब तो छुआ के बेहोश हो गया, दर्द पड़ा था तो कहते ही तब आए पाए हो गया, तब पहले हम छतपाल लागल है, ऊपर परेशान हमें लागल है छुआ के विषय में। आप कब काट रहे? आप सांपे काट रहे आप? 12 बजे रात में 10-10:30 बजे खाना पीना का बच्ची है तो मतलब खा के सो गया। उसके बाद में अब सांप था, अभी बिछोना तो देहात का समझे रहे कि मतलब की पैदल किया, अब किधर से निकल गया उसको समझे नहीं पाए। उतार नहीं हुआ, नहीं माए था हम तो नहीं थे, तो का झाड़ फूक करवाते रहा? नहीं, हम मेहमान गए थे उसे में लगे थे, झाड़ फूक करवाते रहा। हाँ, झाड़ फूक करवाने भगत भूत करवाने में लगे थे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।